हाय गाइस, तो ये हमारा टीपीवी का पहला Q&A वीडियो और आगे भी हमारी Q&A वीडियोस आती रहेंगी। हमने सारे सवालों के जवाब दिए सारे, तो वीडियो एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर Q&A शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है नितिन शरवत का, जो कि पूछते हैं अपना चैनल क्यों नहीं बना रहे और किस चैनल पर फाइनली आप लोग काम कर रहे हो। सो बेसिकली हमारा यही चैनल है यार, और हम इसी चैनल पे काम कर रहे हैं, द बर्निंग ब्रेन्स। इसके अलावा हम फेकिंग न्यूज पर काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको रिक्की विक्की दलवीर सदबीर की वीडियोज मिलेंगी। अगला सवाल है यश भारद्वाज का कि आपकी और शुभम भाई की दोस्ती कब से है। तो हमारी दोस्ती तब से ही है जब से रोहित शर्मा और शिखर धवन ने साथ में ओपनिंग करना शुरू किया है। 2013 या 14 से एक दूसरे को जानते हैं और तब से हमारी दोस्ती है। शुभम की और मेरी दोस्ती कब से है, एक्चुअली हम दोनों दोस्ती नहीं है। फेवरेट यूट्यूबर कौन है? एक्चुअली यार यूट्यूबर नहीं, इट्स लाइक यूट्यूबर्स। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है द बर्निंग ब्रेन्स। फेकिंग न्यूज़ हो गया, फिर द बर्निंग ब्रेन्स करके एक है। तो वही बात हो गई, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आपके साथ इतने उतार चढ़ाव हुए, फिर भी हर बार आप एक नया स्टार्ट करके वही गोल्स फिर से अचीव कर लेते हो, इसके पीछे इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? तो यार बहुत सिंपल है, पता है लाइफ में कि यही चीज करनी है, इसके अलावा कुछ और करना आता भी नहीं है। एंड या हमारे दोस्त अगर हमारे साथ हैं तो काम बनता ही है, सो यही इंस्पिरेशन है, फ्रेंडशिप टीम वर्क। तो हम सोचते कम है, काम ज्यादा करते हैं, वही हमारी इंस्पिरेशन है, और उसी की वजह से है कि हम वापस से काम में ही लगे रहते हैं। जो हुआ तो हुआ, उसे हम भूल जाते हैं। बिग्रितेश पूछ रहे हैं, भैया अभी तक की यूट्यूब की जर्नी का आपका मोमेंट जो आपके लिए बेस्ट है। क्रश कोर्स जो मैंने किया था, दैट वीडियो वाज वेरी गुड, एंड उसकी सक्सेस मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है। बट आई थिंक जो सबसे स्पेशल आई थिंक मुझे लगता है अभी तक करा है, वो हम जब तीसरी वीडियो शूट कर रहे थे अपनी, अभी दो ही वीडियो डाली थी, तीसरी शूट कर रहे थे, तभी किसी ने आगे हमें सड़क पर पहचान लिया था, तो इतनी जल्दी हो जाएगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो आई थिंक काफ़ी स्पेशल है। मुंबई फैन फेस्ट का स्टेज जहां हम लोगों ने परफॉर्म किया था, और अपने पहले ही साल में हम फैन फेस्ट पहुंचे थे, और ऐसे लोग जिनको हम देखकर सीखते थे उनके साथ हमने स्टेज शेयर किया, तो वो मेरे लिए सबसे खास रहा है अब तक। और बाकी टचवुड मैं आपसे बोलूँगा कि दुआएँ करें कि खास अभी आना बाकी हो। तो ऐसा कोई मोमेंट मेरा अभी तक आया नहीं है जो, और मुझे लगता है वो आना बाकी है। ये सवाल है, भाई तू ऐसा क्यों है? भाई मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पापा ना गुटखा नहीं खाते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि YouTube पे आगे स्कोप रखोगे या फिर बॉलीवुड का ट्राई करोगे? एक्चुअली यार बॉलीवुड का ट्राई तो सभी करते हैं जो भी इस फील्ड में है, लेकिन अगर अच्छा मौका मिलेगा तो या ऑफ कोर्स बॉलीवुड कौन ना कहता है। तो बॉलीवुड तो बहुत दूर की चीज़ है, आई डोंट थिंक अभी इतना आसान रहने वाला है। तो देखो बॉलीवुड से काम मिलेगा तो जरूर करेंगे। तो मैं बॉलीवुड ज्वाइन कर चुका हूँ, मेरी अभी 17 मई को पहली फिल्म आ रही है जिसमें मैंने डेब्यू किया है, जबरिया जोड़ी, तो आप सब लोग जरूर देखें। ग्रेविटी लेट मी डाउन टू अर्थ, इतना साइंटिफिक हैंडल रखने वाले लॉन्डे ने पूछा है, व्हाट आर द प्लान्स ऑफ 2019? यार देखो कोई प्लान सक्सेसफुल होता तो है नहीं, तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरे तो प्लान्स मैं बता देता हूँ, ये जिम ज्वाइन करनी है। मेरे प्लान्स हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, रनिंग शुरू करनी है, वेट लिफ्टिंग। आपका स्ट्रगल एक वर्ड में बताओ। लर्निंग एक्सपीरियंस। दो वर्ड जारी है। पहले जैसे वीडियो आने में टाइम क्यों लग रहा है यार? हम इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे कि पहले जैसे जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं आ पा रही, और दूसरा प्रॉमिस कि अब रेगुलर रहेगी और बहुत ही ज़्यादा टाइम पर आएंगे, आप लोग देख भी नहीं पाओगे, आपको खुद टाइम नहीं मिलेगा, ये प्रॉमिस है आपसे। अंडवंड का टोला जोना नाचा, कंप्लीट द सेंटेंस। फेवरेट यूट्यूबर एक्टर एक्ट्रेस। यूट्यूबर मैं बता ही चुका हूँ, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, आयुष्मान खुराना नवाज भाई, विक्की कौशल फॉर राइट नाउ। एक्ट्रेस एक्टिंग तो वो भी बढ़िया करती थी, खैर छोड़ो यार। इतनी बकचोदी कहाँ से लाते हो? हमारे यहाँ पड़ोस में एक दुकान है, दुकान हमारे यहाँ पड़ोस में दुकान। द माउंटेन ने सवाल पूछा है, पहाड़ का सवाल नहीं है, मतलब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है द माउंटेन। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, इज देयर समथिंग न्यू फॉर अस इन फ्यूचर? डेफिनेटली वी विल मेक यू लाफ। इन फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ नया है, तो अगर अभी से बता देंगे तो मजा खराब हो जाएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे फॉलो करो अपडेट रहने के लिए। यूट्यूब और यूट्यूब के बाहर भी काफी सारी नई चीजें आने वाली है, और बहुत जल्दी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रखते हैं अभी से,
बता अपडेट करेंगे, फॉलो कर लो। स्वाति खुशी ने इसके अलावा पूछा है किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं आपको। मुझे तो मुझे लड़की तो लड़की होती है, लड़कियां तो अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, तो जैसी भी है सब पसंद है, सब सब पसंद है। रियल अंकित ने पूछा है शूटिंग में कौन कौन से सामान यूज करते हो। यार सारे बैड हैं इसलिए नहीं बता सकते। चबीश की रिपोर्ट कब आएगी बता देना यार। भाई बहुत जल्दी आएगी, कुछ मतलब अच्छे से टॉपिक पे ही बनाएंगे, अब इतने टाइम बाद बनाएंगे तो इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं कि कुछ गांठ फाड़ बोल दूँ क्या, कुछ गांठ फाड़ आएगा तभी बनाएंगे। शकीर ने पूछा है कितने पैसे कमाते हो यूट्यूब से, तो वो चिल्लर दिखाने वाला काफ़ी लोग कर चुके हैं, बाकी देखो यार पैसे तो सही कमा ही लेते हैं लॉन्डे यूट्यूब से, एमयूए को देख लो कहाँ से कमा दिया चिल्लर उठा के पिल्लर बना देता है वो अगला क्या कर रहा था। राजेश यादव और शुभम के बीच क्या रिश्ता है। राजेश यादव और शुभम के बीच भाई रिश्ता है। मनोज शर्मा पूछ रहे हैं आप लोग रियल लाइफ में क्या करते हो। रियल लाइफ में यार, रियल लाइफ में हम जैसे आप लोग हो वैसे ही हैं यार, कुछ खास नहीं है। दोस्तों मैं कुछ नहीं करता, सिर्फ यही करता हूँ। यही करते हैं रियल लाइफ में भी हम तो, जो मतलब यही काम है अब तो, सिर्फ यही करते हैं। YouTube की शुरुआत क्यों की, पैसों के लिए या फेम के लिए। दोस्तों मैंने YouTube की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राजेश के कहने की वजह से की थी, अब ना ये लोग मुझे पैसे देते हैं, फेम तो है ही नहीं। मैंने भाई YouTube की शुरुआत दोस्ती के लिए की है और अंत तक दोस्ती के लिए करूँगा। I just wanted to act and have a good, you know, working team. So इसलिए मैंने join किया and yeah, that's all. पैसों के लिए तो देखो कभी नहीं की हमने, दो साल तक तो कुछ मिला भी नहीं था honestly. और फेम हाँ जब मिल रहा था वो तो ऑब्वियसली अच्छा लग ही रहा था, बट हमें नहीं पता था कि मिल जाएगा, हमने तो ऐसे ही टाइम पास के लगी थी कि हाँ चलो कुछ नहीं कर रहे तो यही कर लेते हैं, बट फिर रिजल्ट आते गए, इन्वॉल्व होते गए उस चीज़ में तो मज़ा आने लग गया, मज़े के लिए करते हैं। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। आप लोगों की एजुकेशन कितनी है। मैं काफ़ी हाईली एजुकेटेड हूँ, बस मेरी इंग्लिश में थोड़ा हाई टाइट है, बाकी मेरी एजुकेशन फुल है। मेरी एमए मैंने लास्ट ईयर कंप्लीट करी है आर्ट्स में, या एमए हूँ मैं, मास्टर्स हूँ बस। भाई मोदी जी से ज़्यादा है मेरी, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। चैनल का नाम बर्निंग ब्रेन्स क्यों रखा। ये मैंने नहीं रखा। मैंने नहीं रखा, मैंने नहीं रखा भाई। दोस्तों मैंने तो नहीं रखा, आपको समझो मैंने नहीं रखा भाई। तो भैंजा रखा किसने था। इज दैट एनी मीटअप प्लानिंग इन अपकमिंग डेज, या ऑफ कोर्स 1,00,000 सब्सक्राइबर कराओ, मीटअप इज ऑल योर्स। और उसके अपडेट के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे @thebrains, अभी करें। तो अब फाइनली बारी आ गई है उस ऐतिहासिक सवाल की जो लगभग 1,00,000 लोगों ने हमसे पूछा है। हाँ। 1,00,000 क्यों, मतलब अब तो 20,00,000 हो गए होंगे काफी, मतलब जो सड़क पे दिख रहा है भाई नजरबट्टू क्यों छोड़ दिया, जो पानी में तैर रहे हैं भाई नजरबट्टू क्यों छोड़ दिया। एक अच्छा सा फोटो शूट करा के हमने फोटो डाली, सोचा कि लोग इस पे बोलेंगे वाह क्या सेक्सी लग रहे हो भाई, क्या मस्त लग रहे हो, लेकिन उस पे वही कमेंट आया भाई नजरबट्टू क्यों छोड़ दिया। काश नहीं आया, वो कोई नहीं पूछ रहा मोदी जी से, हमसे सारे पूछ रहे हैं भाई नजरबट्टू क्यों छोड़ दिया। इतना मोदी जी से सवाल नहीं हुए, इतने हमसे हो गए, इतने हमसे हो गए। और फाइनली चलो आज हमने भी सोचा कि अब जवाब दे ही देते हैं, बता दूं सच। हाँ बता दे भाई। कुछ नहीं था यार, बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं, नहीं पहले लाइन से ना, लाइन हाँ लाइन से। रोहित तू बता दे, तूने क्यों छोड़ा। मेरा छोड़ने का कोई रीज़न ऐसा था नहीं, मतलब मैं यूट्यूब मेरा कभी एम था भी नहीं, मैं राजेश की वजह से वहाँ पे गया था तो मुझे मज़ा आने लगा काम करने में, तो जब राजेश की जिस काम में खुशी नहीं फिर उसने छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया, बस इतना था। ला ला मेरा भाई ओके। मैं तो वहाँ पे खैर किसी और रीज़न से गई थी एंड मैंने साथ में काम शुरू किया इन लोगों के साथ। एंड मैंने क्यों छोड़ा, मैंने एक्चुअली छोड़ा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ पे सब ब्लॉक हो गया है, अब एक टाइम के बाद मुझे कुछ और एक्सप्लोर करना था और जगहों पे भी काम करना था जो कि मैं वहाँ रहते हुए नहीं कर पा रही थी, और साथ में एनवायरमेंट भी थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि आई वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग सो विथ ऑल ऑफ देम, और एक्चुअली दिस इज़ माई टीम एंड आई एम हैप्पी विद देम, तो जहाँ पर भी ये होंगे मैं वहीं होंगी। अच्छा एक बात होता ना, इसने दोस्ती के लिए छोड़ा, तेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तूने क्या छोड़ा। चल भाई तू बता दे। मैं लाइफ में बहुत कुछ छोड़ा तो वो भी छोड़ दिया।
ये बताना लोग जो छोड़ते हैं और कुछ बताना भाई या ये घटिया सा रहेगा? सही तो भाई सही था तू भाई तू बता दे यार, हमारा तो सेम ही है। सेम ही है हमारा तो यार, हमने साथ में शुरू किया था। तो सिंपल सी स्टोरी है कि बेसिकली 2015 अगस्त में मैं, ये और दो लोग और थे, हमने चारों के साथ में चैनल स्टार्ट किया था। वो लोग प्रोडक्शन संभालते थे, हम लोग सारा क्रिएटिव देखते थे। फिर लकीली हमारी जो पहली वीडियो हमने अपलोड की वो अच्छा कर गई, हमें काम करने में मज़ा आने लग गया, हम दिन रात दबा के काम करने लग गए। दो साल हमने मतलब लगा लो, आपने तो देखा ये कॉन्टेंट सब पड़ा हुआ ही है, दबा के वीडियोस डाली। हाँ, और एक सवाल बहुत आता है कि मतलब लोग पूछते हैं कि भाई तुमने वहाँ से नौकरी छोड़ दी क्या? निकाल दिया गया क्या? तुम लोग वहाँ जॉब करते थे? तो ऐसा नहीं था, हम कोई वहाँ जॉब नहीं करते थे, चार लोग थे, हमने सबने साथ में स्टार्ट किया था, कोई जॉब ऐसा कुछ नहीं था। हमने ऑलमोस्ट मतलब दो साल वहाँ फ्री में काम भी किया है, क्योंकि अपना चैनल वैसा ग्रो कर रहे थे और वो तो यार सबके सामने ये सारी वीडियोस हम लोग सब आते। और ऐसा नहीं है कि हमें उस चीज का कोई गिल्ट है, हमने बहुत कुछ सीखा भी, वो सब बढ़िया चला था। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको लगता है ना कि अब यार मतलब अब नेक्स्ट लेवल इससे जाया जाए, तो वो जब हमने जाने की कोशिश की या हमने ट्राई करने की कोशिश की कुछ नया करें, तो उस पर फिर बंदिशें लगने लग गई। तो थोड़ा सा आप मतलब अगर टीम काम करती है सबका एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, तो वो पेज थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा था। कुछ लोगों को बॉस बनना था, वो चीज़ फिर नहीं होती है। जब स्टार्ट साथ में किया तो एक लेवल पे सबको चलना चाहिए, जो नहीं हो रहा था वो चीज़ हमें गलत लगी। तो ये नहीं कि हमने उसका कोई शोर मचाया कुछ किया, हम उसमें कंफर्टेबल नहीं थे तो हम बाहर निकल गए। हम तो जो वीडियोज़ वहाँ करनी थी वो अब आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। हमें उसका कुछ ऐसा है नहीं कि छोड़ दिया तो क्या हुआ। बस हाँ ये है कि इस सब में आपके लिए लेसन है कि अगर कभी कहीं कुछ ऐसा हो, निकल जाओ, अपना काम पे फोकस करो, बाकी चीज़ों को खुद को इफेक्ट मत करने। हाँ, बहुत सारे लोग आएंगे बोलेंगे अच्छा किया बुरा किया, लेकिन जो आपने डिसीजन लिया है ना उससे पीछे नहीं हटना। तो बस हमारा सिंपल था यार, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था तो हम बाहर आ गए, नया चैनल बनाया। आप लोग यहाँ भी देख रहे हो, होपफुली अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हम, तो यहाँ देखते रहना, यहाँ पे कंटेंट रेगुलरली मिलता रहेगा। और एक सवाल और था यार डिस्ट्रैक्ट का, वो जवाब तो ऐसी गंदी हरकतें नहीं करनी, कभी नहीं करनी किसी को नहीं करनी है, नहीं ठीक है। माना लोग फेमस होते हैं ये करके, हाँ, और नहीं, उनका वाला तो चला भी नहीं, ट्राई था तो ऐसा हमें कोई अटेम्प्ट नहीं करना है भाई किसी तरीके का, जिन्होंने किया किया, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है भाई। आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अच्छा लेवल पे कर रहे हो, हम थोड़े हल्के लेवल पे कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग खुश हैं अपने काम से। और हम लोग, हमें मतलब एट द एंड ऑफ द डे चैन की नींद आनी चाहिए, सेटिस्फेक्शन वो आ रही है, वो आ रही है, वो मिल रहा है, और कुछ बस आप लोगों का प्यार मिल रहा है, चैन की नींद मिल रही है, और नींद तो कुछ ज्यादा ही आ रही है यार। अरे हाँ यार, जब से नहीं रह जाइए ना ज्यादा। चलो बाकी थैंक यू सो मच। और ये सवाल था जो सदियों से छाया हुआ था बादलों की तरह हमारे ऊपर, आज हमने क्लियर कर दिया है। तो आप अपने दोस्तों को दिखा दो जो परेशान है, और उन्हें बोलो कि भाई ये रीजन है, और सबको बता दो ये चैनल है जहाँ पे दिखेंगे भाई, प्लीज आधे रैंडम हम लोग वहाँ पे इतने सारे थे और यहाँ पे हम कम है, तो मतलब अभी बहुत सारे लोगों को पता लगना जरूरी है, पता लगने बाकी है। तो प्लीज उनको वीडियो दिखा दो, और कोई अब सवाल तुमसे भी पूछे तो ये वीडियो दिखा देना, उन्हें बता देना, और बता देना ये चैनल है, अब भाई यहीं आएंगे और यहीं पे, और अब हम इसके बाद कोई जवाब नहीं देने वाले। हाँ बस ये लास्ट है, आकाश कुछ रह गया है तो बता दे, सबको वीडियो दिखा दो। हाँ हाँ, आकाश का कुछ रह गया बता दे। मीटअप में थोड़ा और ज्यादा हम खुलेंगे और इस वाली को तो प्लीज फैलाओ, शेयर करो यार, सबको बताओ दिखाओ, बहुत जरूरी है यार, मतलब हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हम चैन से काम कर सके। कोई आता है ये नहीं बोलता फोटो नहीं खिंचाता कुछ नहीं, सब भाई नजरबट्टू क्यों छोड़ा, कोई वीडियो डालते हैं तो उस पर कमेंट ये नहीं आता कि अच्छी थी बुरी थी क्यों छोड़ा, तो बहुत जरूरी है कि छोड़ा, खुश रहो प्लीज। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब। हम सब यही मिलेंगे, सब अब यही मिलेंगे। यस, थैंक यू, बाय।